खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या करते हैं सर? ये सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। मेरा नाम सर हैप्पी सिंह है, मैं पलोड़े का रहने वाला हूँ। आज मैं सुबह अपने घर वापस आ रहा था सैर करके, तो दो भाई हैं जो होशियार सिंह चिब टोनी और सोन सिंह चिब सोनू, इन दोनों ने मुझे रोका और मेरे माथे पे इन्होंने पिस्टल रखी। मेरे पे हिस्ट्री, ये ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर हैं, इन्होंने मेरे पे 5 राउंड फायर किए। एक राउंड में भागने लगा, एक राउंड मेरी बाजू में लग गया। और उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने पुलिस स्टेशन में सारी बात बताई तो उन्होंने मेरे को GMC भेजा मेडिकल के लिए। इनके खिलाफ हमने पहले भी 2-3 एप्लीकेशनें दी हुई है, SSP ऑफिस दी है, गवर्नर को दी है, और भी 1-2 एप्लीकेशन दी है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी कोई रंजिश नहीं है इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बार बार हमें हरास करते हैं। मेरी माँ को बोलते हैं 2 लाख रुपया दो, नहीं तो इसको किसी केस में फंसा देंगे, झूठे केस में। पलोड़ा जो जानीपुर SHO की ज्यूरिडिक्शन में एरिया आता है, वहाँ कोई शूट आउट हुआ है जिसमें हैप्पी जम्बाल को बुरी तरीके से गोलियां लगी हैं, और इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि हैप्पी जम्बाल साहब का तुरंत ऑपरेशन हो। इनका ऑपरेशन करा के इनकी इनकी सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। इनके अंदर बुलेट, इनकी जो बाजू में जो लेफ्ट आर्म है उसकी बोन्स में, इस समय हड्डियों में जो बुलेट्स जो सामने आ रही हैं, जो एक्सरे में भी साफ दिखाई दे रही हैं। और अभी हमारा प्रायोरिटी है कि हैप्पी जम्बाल का ऑपरेशन हो ठीक से और ये सुरक्षित घर पहुंचे। इनके स्वास्थ्य की चिंता करना, मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे IG जम्मू हैं, हमारे DIG जम्मू, SSP जम्मू, इस सारे मामले का कड़ा संज्ञान लेंगे, और ये गुंडागर्दी जितनी भी है ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई अपने घरों से निकल के बंदूकें लेके आकर गरीब और शरीफ लोगों से फरौती मांगेगा, पैसे मांगेंगे, गुंडागर्दी करेगा कोई, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसने भी ये कातिलाना हमला किया है, जानलेवा हमला है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। क्राइम क्राइम है, गोली चलाना शरीफ आदमी के घर में घुसकर, इसको किसी कीमत पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। न्यूज़पेपर का बंद होगा कि इनका कहना है कि जो भी होगा कानून के तहत कार्रवाई होगी, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिसने ये अपराध किया है, ये कातिलाना हमला हैप्पी जम्बाल के ऊपर किया है, वो बच नहीं पाएगा, जेल की सलाखों में जाएगा, कानून अपना काम करेगा। किस समय का वारदात थे ये? कोई 8 बजे की बात है, 8:04 में मेरे भांजे का फ़ोन आता है, वो जिम जाता है, सुबह सैर करने जाता है, तो वो सैर करके जिम से आके आता है, वो आ रहा था वहाँ से अपने घर को आ रहा था, नीचे वाली साइड जैसे होता है आता है वो, तो इन दोनों भाइयों ने नाका लगा रखा था वहाँ पे। जो उनका तीसरा भाई भी था, तीसरा भाई पहले ही थाने के बाहर खड़ा था उसकी गाड़ी, और उसने आते ही मेरे भांजे पे उसको पकड़ा, उसको पकड़ के गोली उसके ऊपर पहले हाथाबाजी की, फिर उसके बाद वो मेरा भांजा उनसे छूट के भागा, दोनों भाई से इन्होंने उसके ऊपर गोली चला दी। 5 राउंड निकाले हुए हैं इन्होंने उसके ऊपर। ये ईस्टी शीटर ब्लैक मिलर, इनके फोटो भी लगे हुए हैं पुलिस स्टेशन में। 5 राउंड उसने मेरे भांजे पे निकाले हैं, जब मैं वहाँ गाड़ी लेके आता हूँ 1 राउंड उसने मेरे पे निकाला है। हम अपनी मांग चाहते हैं कि इनको PSA लगना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। ये ऐसे बंदे अगर रोड पे घूमेंगे तो हर पब्लिक को, हर पब्लिक के बच्चों को खतरा है इन लोगों से। नहीं, मुझे तो इस इंसिडेंट का तभी पता चला जब जहाँ पे कुछ लोग आए उन्होंने रोड वगैरह जाम किया, तो बींग तहसीलदार बींग मैजिस्ट्रेट जहाँ पे ये देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, लोगों को आम जनता को कोई समस्या ना हो,
जैसे ट्रैफिक में जाम वगैरह, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। इस सिलसिले में हमारे पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पे आए हुए थे, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी इसमें होगा उसका तो कानून तो अपना काम करेगा ही, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। उस सिलसिले में जो जहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी आश्वासन दिया गया है कि कानून जो है वो कानून के लिहाज से ही काम करेगा।